नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमएस एडवाइजर में। और यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आ रही है रेलवे की बहाली को लेके कि 14,033 पोस्ट के लिए रेलवे के द्वारा यहाँ पे बहाली निकाली गई है। इसमें अगर देखें तो जेई, डीएमएस और सीएमए के लिए बहाली निकाली गई है। तो चलिए इस वीडियो में यहाँ पे पूरा डिटेल में जानेंगे कि रेलवे के द्वारा क्या नोटिस निकाला गया है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या फिर इसके क्या एग्जामिनेशन फी लगेंगे, तो वो हर एक चीज वीडियो में हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरह का यहाँ पे रेलवे के द्वारा नोटिस निकाला गया है। इसमें अगर देखें सबसे ऊपर लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। फिर अगर नीचे यहाँ पे देखें तो लिखा गया है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN, नंबर यहाँ पे देखिए दिया गया है 03/2018, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई, जूनियर इंजीनियर IT, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट यानी कि DMS, CMA। तो इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे बहाली निकाली गई है। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए कितने वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। इसमें अगर बात करें जूनियर इंजीनियर का तो इसके लिए 13,034 बहाली है और जेई IT के लिए 49 पोस्ट के लिए बहाली निकाली गई है और DMS के लिए 456 पोस्ट के लिए बहाली निकाली गई है। उसके बाद फिर CMA के लिए 494 पोस्ट के लिए बहाली निकाली गई है। यानी कि अगर टोटल यहाँ पे बात करें तो 14,033 पोस्ट के लिए ये बहाली निकाली गई है। इसमें अगर एज लिमिट की बात करें तो जैसा कि आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके लिए मिनिमम एज 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम एज 33 साल रखा गया है। और जो भी कैंडिडेट OBC, ST, SC या फिर EX सर्विसमैन या फिर PWD कैंडिडेट हैं, उन सबों को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है तो वो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। फिर अगर यहाँ पे स्केल की बात करें तो 35,400 पे स्केल आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद फिर अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं तो जेई के लिए जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग में किए हुए हैं, यानी कि जो भी पॉलिटेक्निक किए हुए हैं या फिर बीटेक किए हुए हैं, बीई किए हुए हैं, तो वो सारे कैंडिडेट जेई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर DMS के लिए इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा या फिर डिग्री यानी कि पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक या फिर बीई किए हुए कैंडिडेट हैं तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई IT के लिए जो भी कैंडिडेट PGDCA, BSc कंप्यूटर साइंस में या फिर BCA या फिर BTech IT में या फिर BTech कंप्यूटर साइंस में किए हुए हैं तो वो सारे कैंडिडेट जेई IT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया था। और दोस्तों आगे पूरा डिटेल में क्वालिफिकेशन के बारे में जो है जो भी आगे यहाँ पे नोटिस आएगा तो 4 से 5 दिन के बाद जो भी यहाँ पे आगे नोटिफिकेशन निकाला जाएगा RRB के द्वारा, उसमें आप पूरा डिटेल में देख पाएंगे कि जो भी डिप्लोमा के हुए कैंडिडेट है वो 2 साल या फिर 3 साल डिप्लोमा के हुए कैंडिडेट को लेंगे या फिर जो भी BTech के हुए कैंडिडेट है तो इसमें कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट को ले जाएंगे, तो वो सारा कुछ जो आगे जो भी यहाँ पे नोटिस निकाला जाएगा उसमें पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। आगे अगर यहाँ पे बात करें स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन का तो इसमें इस बार आपका 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होगा। जैसा कि आप सबको पता होगा कि पहले जो भी रेलवे जेई के लिए एग्जाम होता था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होते थे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता था। लेकिन इस बार अगर यहाँ पे देखें तो इस बार 2 स्टेज में आपका एग्जामिनेशन होगा, CBT फर्स्ट और CBT सेकेंड, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर आप अगर नीचे यहाँ पे देखें तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे आपको जो है फी पे करने होंगे रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो आपको ₹500 पे करने होंगे और CBT फर्स्ट एग्जाम देने के बाद जो है आपको ₹400 आपको आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। फिर अगर यहाँ पे जो भी कैंडिडेट ST, SC, EX सर्विसमैन या फिर PWD या फिर ओमेन या फिर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं तो उसे ₹250 अभी पे करने होंगे और CBT फर्स्ट एग्जाम होने के बाद जो है उनका ₹250 वो वापस कर दिया जाएगा। अगर इसमें इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ये फॉर्म जो है 2/1/2019 को आप 10 बजे से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि 2 जनवरी 2019 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इसका क्लोजिंग डेट की बात करें यानी कि लास्ट डेट की बात करें तो आप 31 जनवरी को रात 12 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऑनलाइन फी पे करना है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI के थ्रू आप इसका फी पे कर सकते हैं। तो यही दोस्तों अभी यहाँ पे RRB के द्वारा जो है एम्प्लॉयमेंट नोटिस यहाँ पे निकाला गया है। और दोस्तों इसके लिए यहाँ पे क्या यहाँ पे प्रॉपर सिलेबस होगा, यानी कि जेई के लिए क्या सिलेबस होगा, DMS के लिए क्या सिलेबस होगा, CMA के लिए क्या सिलेबस होगा या फिर जेई IT के लिए क्या सिलेबस होगा, वो हर एक चीज जो आगे के नोटिस में यहाँ पे निकाला जाएगा। तो यहाँ अभी सिर्फ और सिर्फ यही नोटिस रेलवे के द्वारा निकाला गया है कि 2 जनवरी से जितने भी कैंडिडेट इसका इंतजार कर रहे थे, जेई फॉर्म का इंतजार कर रहे थे, तो वो 2 जनवरी से अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो 2 से 4 दिन में पूरा डिटेल में इसका नोटिस आ जाएगा कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या यहाँ पे सिलेबस रहेगा, तो वो हर एक चीज यहाँ पे आ जाएगा। और दोस्तों आगे रेलवे की बहाली की अपडेट के साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा उसे आप जरूर क्लिक करें ताकि
ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि जो भी कैंडिडेट जेई के पोस्ट के लिए वेट कर रहे थे तो उन सबों तक जानकारी पहुंच सके और वो भी अपने फॉर्म को 2 जनवरी से अप्लाई कर सके। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।